जो सरहद पर तो जा न सके पर अपना फर्ज निभाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं। दो पल वतन के आज उनके नाम करता हूं, जो सड़क नाले साफ करते उन्हें सलाम करता हूं। जनाब पर विडंबना देखिएगा इस देश की, घिन आती है लोगों को जिनसे, जमाना जिन्हें धिक्कारता है, वो ही सच्चा सैनिक है जो गंदगी को मारता है। तो दुनिया की नजरों में जो कूड़े कबाड़ी वाला है, सही मायने में वही हिंदुस्तान का रखवाला है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनलिज्म, एक अलग ही ज्वार हमारे रगों में उठने लगता है सर। हम इस हद तक भी बोल देते हैं कि हाँ वक्त पड़ेगा तो हम इस देश के लिए सरहद पर जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, बेशक हम ऐसा कर सकते हैं। पर जब भी मैं सड़क के किनारे कचरे के किसी भी ढेर को देखता हूं तो सर मुझे लगता है कि हर एक वो ढेर इस दावे के आगे एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया है। यूं तो हम सब सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं, और ये ख्वाब बेशक पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है, शेरों के जो दांत गिने रक्त में वही हिमाकत है। पर भरत वंशियों की हालत आज शर्म आती है बताने में, हम नाक सिकुड़ने लगते हैं एक कागज का टुकड़ा उठाने में। तब सोचता हूं ये दौर ऐसा कर लेगा क्या, सचमुच अपने हाथों में वसुंधरा अंबर लेगा, अस्वच्छता से मैत्री है तो रज तिलक क्या लगाएंगे, जो हाथ झाड़ू उठा न पाए संगीन कैसे चलाएंगे। और सर अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सरहद सैनिक बचा लेंगे, बैठे वतन की साधना में, हम भी तो कुछ अर्पण कर दें भारत मां की आराधना में। और हम क्या अर्पण कर सकते हैं सर, एक भीष्म प्रतिज्ञा अब हर जन भारत का ले ले, अटूट प्रेम स्वच्छता से हर मन भारत का ले ले। तो युद्ध का ऐलान अब गंदगी के खिलाफ हो, और मांग शवड की जनता से है देश का कचरा साफ हो। हुक्मरानों से उम्मीद यही आशा है जवानी से, हुक्मरानों से उम्मीद यही आशा है जवानी से। और हम क्या आशा करते हैं सर, बस एक यही आशा मैं जो करने जा रहा हूं, जो निवेदन अंतिम इल्तिजा जो आपसे रखता हूं मैं सर, बहुत ही I really feel honored that I am speaking in front of you, परम आदरणीय अमर कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की वंशावली के सबसे चमकदार सितारे के सामने ये इल्तिजा अगर मैं कर रहा हूं, और शायद अगर ये आपके अपने विद्यालय के प्रांगण से ये निवेदन उठ रहा है तो हिंदुस्तान इस पर अमल जरूर करेगा, इस बात की आशा कर रहा हूं सर। और तब अंतिम पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं, हुक्मरानों से उम्मीद यही आशा है जवानी से, इल्तिजा गांधीवाद की हर एक हिंदुस्तानी से, संदेश हमारा जमाने भर में हर पहर जाएगा, जम्बुदीप का जय घोष गगन में बेशक घेर जाएगा, भले खूना बहाएं सरहद पर एक छिलका अदब से उठाइए, बिना पवन ही अमर तिरंगा खुद ही लहर जाएगा। जय हिंद। क्या बात, भाई साहब ये कविता हमको जरूर भेजिएगा आप, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपके इससे और एकदम रोंटे खड़े हो गए।